जब कभी भी एक्सेल में वीबीए की बात आती है, यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की बात आती है, तो आप परेशान होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक आसान वीबीए कोड आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, शुरुआत हम करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह के प्रोग्राम बनाने से। तो हम जब वीबीए का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम एक्सेल ओपन तो कर लेते हैं इस तरीके से, कोई भी वर्जन हो। अगर बात करें 2007 की, तो आप 2007 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां पर आकर के एक शॉर्टकट की बताता हूं, वो शॉर्टकट की आपको यूज करना है। अगर आप वीबीए यूज करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F11 यानी फंक्शन की F11 प्रेस कीजिएगा। लीजिए, वीबीए वाली विंडो ओपन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक विंडो जो है ये ओपन हो जाती है। अब यहां से आपको जाना है इंसर्ट पर, और यहां पर आना है मॉड्यूल पर, तो न्यू मॉड्यूल ले लेना है, ठीक है। और यहां पर चूज कर लीजिएगा, ये देखिए जनरल ही रहना चाहिए। और अब यहां पर कोडिंग करनी है, ठीक है, यहीं पर कोडिंग करेंगे हम। तो कोडिंग क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि हमें एडिशन करवाना है या दो नंबर्स को डिवाइड करवाना है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वो नंबर दिया गया हो तो क्या कोड लिखेंगे, तो एक तो कॉमन रहेगा ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये जरूर लिखिएगा। आप जब भी आप कोई कोड लिखते हैं बीबीए का, तो आपको ये जरूर लिखना है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा, ठीक है। और ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखने के बाद एंटर करके नीचे आ जाइए, और अब यहां पर जो है सब यूज करना है आपको SUB। और चूंकि हम जो है डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिव लिखता हूं और अंडरस्कोर लगा देता हूं, कर देते हैं। तो ये हो गया डिव नंबर्स, और ये डिव नंबर्स नाम से क्या बना, तो ये जो डिव नंबर्स है इसके नाम से हमने क्या बना दिया, एक बना दिया फंक्शन, समझिए, ठीक है। तो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, फंक्शन में तो ब्रैकेट ओपन क्लोज होता ही है। अब यहाँ पे डिम डिम लिखना होगा हमें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिम, और नहीं है ये ए है एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। और यहाँ पे एज इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो इधर भी है, तो यहाँ पे इंटीजर कर देते हैं हम, तो ये इंटीजर कर दिया। और इंटीजर करने के बाद फिर एंटर करके नीचे आते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं डिम, और डिम करके, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे बी कर देते हैं एज इंटीजर। तो यहाँ पर भी INT, देखिए यहाँ पे इंटीजर आ गया, तो ये इंटीजर लिख लिया हमने। और अब एंटर करके नीचे आते हैं, ए इज इक्वल टू यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं, लाइक 7 दे दिया, और बी में क्या दे देते हैं, बी में दे देते हैं 2 दे देते हैं, ठीक है, 2 दे दिया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे अब एक मैसेज बॉक्स बनाएंगे। तो मैसेज बॉक्स बनाना मैंने पहले भी सिखाया है, MSG बॉक्स लिख देते हैं इस तरीके से, मैसेज बॉक्स बनाना है तो। और हमको क्या करना है, A/B करना है, A/B का रिजल्ट चाहिए बस। तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। और अब लगा देने के बाद क्या करना है, अब हमें इसे रन करवा देना है। तो रन करवाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आंसर आ रहा है 3.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से किया, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो में आप देखिए यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो वहां रिजल्ट भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 कर देता हूं, तो यहाँ आंसर 2 आएगा रन कराने पे, तो देखिए 2 आ रहा है, ठीक है। और हमारा ये कोड जो है प्रॉपरली काम भी कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब ये यूजर से करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, ये एक नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।